जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको नवरात्रों के उपलक्ष में भगवती की एक बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। नवरात्रों में भगवती माता की नौ रूपों की पूजा की जाती है और नवमी के दिन कन्याओं को घर बुलाकर भोजन खिलाया जाता है। कहते हैं कि माँ शक्ति के एक नहीं बल्कि अनेक रूप हैं। ऐसे में माँ वैष्णो देवी की बात करें तो वह वही माँ है जिसके दर्शन के लिए लोग जम्मू जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि माँ ने नवरात्रे के वक्त ही राक्षस का संहार कर अपने भक्तों के कष्ट खत्म किए थे और वैष्णो मंदिर की यह मान्यता भी है कि जब तक माँ की इच्छा नहीं होती है तब तक भक्त वहाँ नहीं पहुँचते और माँ जिनको बुलाती है वो हर दुख के होते हुए भी वहाँ आसानी से जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि वैष्णो मंदिर कैसे बना और कन्या पूजन कैसे शुरू हुआ। सुनिए, हंसाली नामक एक गांव था जो कटरा के पास था। वहाँ माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते। उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ श्रीधर की भक्ति को जानती थी, इसीलिए कन्याओं के बीच कन्या बनकर ही बैठ गई। इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि जो भी अपने घर कन्या पूजन करवाता है, माँ आशीर्वाद देने उन्हीं कन्याओं में आकर बैठती है। इसके बाद सभी कन्याएं चली गई तो उनमें से एक कन्या जो कि वैष्णो देवी का रूप रखकर आई थी, उन्होंने श्रीधर से कहा कि वो पूरे गांव को भंडारे के लिए आमंत्रित करे। श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी निमंत्रण दिया। श्रीधर ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन उन्हें चिंता होने लगी कि वो पूरे गांव को भोजन कैसे करवाएंगे, क्योंकि न तो उनके पास धन था और न ही भोजन। भंडारे का दिन भी समीप आ गया और जब लोग खाने बैठे तो कन्या का रूप धर कर माँ ने सबको भोजन परोसना शुरू किया। उस पात्र से भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कन्या भैरवनाथ के पास गई तो उसने हट किया कि मुझे खीर पूरी नहीं चाहिए, मुझे तो मांस मदिरा चाहिए। माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मणों का घर है और यहाँ ये सब नहीं मिलेगा। वो माँ से क्रोधित होकर जिद करने लगा। माँ समझ गई कि भैरव उनसे कपट कर रहा है। माँ जाने लगी तो भैरव ने उनका पीछा किया। भैरव चाहता था कि माँ के हाथों से उसे मोक्ष मिले, वो माँ का पीछा करने लगा। माँ ने चित्रकूट पर्वत पर एकांत गुफा में प्रवेश कर नौ माह तपस्या की। जब भैरव वहाँ पहुँचा तो दूसरे मार्ग से बाहर निकल गई। इसी जगह को गर्भगृह कहते हैं। गुफा से बाहर निकलकर कन्या से उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया और भैरव को गुफा से जाने की चेतावनी दी। माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहीं स्थित थे और उन्होंने भैरव से युद्ध किया, लेकिन भैरव तो सिर्फ माँ के हाथों से ही मोक्ष पाना चाहता था, इसीलिए हनुमान जी उसे हरा नहीं पाए। तब माँ ने महाकाली का रूप धारण करके भैरव का संहार किया। फिर सुनिए, हनुमान जी को प्यास लगी। माँ ने हनुमान जी को प्यास लगने पर अपने बाण से पर्वत पर बाण गंगा नदी बनाई और इसमें अपने केश धोए थे। इसमें नहाने से या इसका जल पीने से श्रद्धालुओं की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और कहते हैं कि जिस जिस रास्ते से माँ भैरव बाबा को पीछा करवा रही थी वही वैष्णो देवी का रास्ता बन गया। मरते वक्त भैरव ने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने, माँ तो दयालु हृदय है, माँ ने उसे माफ कर दिया और वरदान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन के लिए आएगा और तेरे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा
अधूरी मानी जाएगी। जहां मां ने भैरव का वध किया था उसका सिर काट कर 8 किलोमीटर दूर पर्वत पर गिरा। आज भी भक्त जब मां के दर्शन के लिए जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। यह रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन माँ और भैरव बाबा की कृपा से भक्तों को चलने में कठिनाई नहीं होती। इन 9 दिनों में हमें नवरात्रे जरूर रखना चाहिए। अगर कोई बीमारी के कारण नवरात्रे नहीं रख सकता तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सिर्फ 2 ही व्रत कर ले। अगर वो 2 भी नहीं कर सकता तो मन और श्रद्धा से भगवान का अखंड ज्योत जरूर जलाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय माता की, जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले।